जब हमने इंड एस 16 स्टार्ट किया था पीपीई, तो हमने आपसे एक बात बोला था कि इंड एस किससे डील करता है। ये डील करता है उसके रिकॉग्निशन से लेके डेप्रिसिएशन से लेके उसके डी रिकॉग्निशन तक, जिसमें हमने डी रिकॉग्निशन की बात कर ली, रिकॉग्निशन की बात कर ली, अभी डी डेप्रिसिएशन की बात नहीं की है। हमने रिकॉग्निशन में क्या क्या बातें की, रिकॉग्निशन में हमने इनिशियल रिकॉग्निशन की बात की और सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन की, उसके पहले इनिशियल रिकॉग्निशन से, और डी रिकॉग्निशन की भी बात कर ली हमने। कंपोनेंट बेस्ड रिप्लेसमेंट की भी बात कर ली, इसमें कंपोनेंट बेस्ड रिप्लेसमेंट की भी बात की थी डी रिकॉग्निशन में। तो अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जो कि प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और भी बहुत सारी हमने बातें की इससे रिलेटेड, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड, इनिशियल कॉस्ट में जो भी डिटेल में गए थे, सबसिक्वेंट में भी हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल में जाके चर्चा की। अब बात करेंगे अपने डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आई नो बहुत ही यू ऑल गाइज नोज कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर भी तो डेप्रिसिएशन, तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और आज हम लोग बात करेंगे क्या डेप्रिसिएशन इंड एस 16। लेट्स स्टार्ट। अगर जो लिखा हुआ है इंड एस 16 में वो बात कर, भाई देख हमको पता है, तुमको पता है कि SLM होता है, SLM बेसिस होता है, WDV बेसिस होता है, और उसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हो, लेकिन क्या लिखा हुआ है इंड एस 16 में, वो डेप्रिसिएशन की भी बात करेंगे अपने, और एक टॉपिक जो आज कवर करेंगे अपने डिस्क्लोजर, और हो सका तो तीसरा टॉपिक होगा चेंजेस इन प्रोविजन फॉर ड्रॉल। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है, चेंजेस इन प्रोविजन फॉर ड्रॉल और डेप्रिसिएशन और डिस्क्लोजर, तीन टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको ये नहीं आता है डिस्क्लोजर, शायद आपको नहीं आता, डेप्रिसिएशन तो आता है, बट क्या बुक में लिखा हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ 5-10 मिनट देके इसको रैप अप करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, बोलता है डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमेटिक एलोकेशन। हमारा इंडेक्स बोलता है ये एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। What it is a systematic allocation of depreciable amount over a useful life, उसके useful life के ऊपर, मतलब depreciable amount क्या है, एक systematic allocation है, depreciation एक systematic allocation है। हर साल में हम systematic ढंग से, suppose करिए उसका useful life 6 year है, तो 6 year में systematic allocation हम उसका करते हैं कि भाई इस साल में इतना, इस साल में उतना, उस साल में उतना, कितना डेप्रिशिएट होगा तो उसका क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट निकलेगा। दिस इज व्हाट द इंड एस 16 इज सेइंग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिस्टमेटिक एलोकेशन, वो भी लिखा हुआ है हमने बताया, लेकिन वो भी क्या लिखा हुआ है उसको भी देखना जरूरी है। सिस्टमेटिक एलोकेशन मीन्स यूजिंग मैथड, systematic allocation means using method which truly reflect what consumption of asset कितना consume हो रहा है, मतलब कितनी उसकी जान आपने निकाल ली, consumption of asset which truly represent consumption of asset। ये बोल रहा है कि ऐसा मेथड हम लोग, एक ऐसा मेथड है जो आपको ट्रूली रिफ्लेक्ट करेगा कंजम्पशन ऑफ एसेट ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है। जो जनरली मेथड हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग मेथड, मेथड में क्या यूज करते हैं जनरली, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV, और एक और मेथड यूज होता है दैट इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, पढ़ेंगे अपने इसको बाद में। जितना यूनिट प्रोड्यूस होता है, सपोज करो एक मशीनरी हमने खरीद के लाया, उसका लाइफ है 10,000 यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, सम केसेस में, ठीक है। तो ये मेथड, ऐसा मेथड जो ट्रूली रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन ऑफ एसेट को, ठीक है, क्लियर।
इसमें एक चीज और लिखा है कि रेशियो ऑफ रेवेन्यू शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन. व्हाट? रेशियो ऑफ रेवेन्यू शुड नॉट बी यूज्ड. रेशियो ऑफ रेवेन्यू यूज नहीं होना चाहिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, कि भाई इस साल इतना कमाया, इस साल इतना कमाया, तो उस कमाई के हिसाब से हम उसको डेप्रिशिएट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑल दो कंपनीज एक्ट आपको अलाउ करता है, कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ करता है यूज ऑफ रेशियो ऑफ रेवेन्यू ओनली फॉर टोल रोड अमोर्टाइजेशन. टोल रोड अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये टोल जो वहाँ पे आप टोल प्लाजा पे टोल देते हो यहाँ पे जाके, तो उन लोग रेशियो ऑफ रिवेन्यू के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टोल रोड का, ठीक है. तो इस केस में एक्सेप्शन है, कंपनीज एक्ट आपको रेशियो ऑफ रिवेन्यू यूज करने के लिए देता है. मैथड की बात कर रहे हैं अपने, मैथड में SLM, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मैथड, और उसके बाद रेशियो ऑफ रिवेन्यू हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो टोल रोड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हो जाता है. टोल रोड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, टोल रोड अमोर्टाइजेशन के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है? व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? दिस मीन्स कॉस्ट of fair value of asset less residual value estimated, ठीक है. जो cost है और जो residual value, उसके difference को क्या बोलेंगे? Depreciable amount. जो depreciable amount होता है cost और residual value के बीच का ही तो होता है. क्या आज की value है, WDB क्या है बेसिकली, आज की रिटर्न डाउन वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू क्या है, और कॉस्ट. सपोज करो ये 10 लाख का और ये 3 लाख की आज, 7 लाख की आज WDB है, तो 3 लाख क्या हो गया आपका आज तक का टिल डेप्रिशिएबल अमाउंट. तो ये हो गया डेप्रिशिएबल अमाउंट. और ये क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट, आई मीन जो रेसिडुअल वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, जी हाँ, ये एस्टिमेटेड है और ये चेंज होगी, तो उस हिसाब से अपने को डेप्रिशिएबल अमाउंट भी बदलते रहना चाहिए. अब यूजफुल लाइफ के बारे में भी जान लीजिए, जो लिखा हुआ है. यूजफुल लाइफ क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ एसेट. क्या है इज यूजफुल लाइफ? इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक यूज. आई रिपीट, क्या वर्ड लिखा हुआ है? आई एम सॉरी, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट. ये एक पार्ट है यूजफुल लाइफ, एक एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसकी पार्ट होती है. इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? Is what? Is total life of asset. Economic life is nothing but a total life of asset. एक asset की पूरी life को क्या बोलेंगे? Economic life. और useful life is just a part of the economic life. Useful life generally हम लोग कैसे निकालते हैं? Useful life is generally based on. Useful life is based on uses. कब तक आप उसको use में ले सकते हो? दूसरा, कोई गवर्नमेंट की लिमिट है? गवर्नमेंट लिमिट्स बिल्कुल है, बहुत सारी लिमिट है. टेक्नोलॉजिकल लॉजिकल ऑब्सोलेंस. आज मोबाइल खरीदो, 6 महीने में टेक्नोलॉजी एकदम ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? बिल्कुल, अगले 2 साल में मोबाइल फोन तो एकदम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. तो बेसिकली इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है उसका यूजफुल लाइफ, ठीक है. एक लाइन इसमें लिखा है कि यूजफुल लाइफ जैसे रेसिडुअल वैल्यू हर साल रिव्यू होनी चाहिए, वैसे ही यूजफुल लाइफ शुड आल्सो बी रिव्यूड ईच ईयर. और उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उसको प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे अडॉप्ट करना पड़ेगा.
कोई भी अगर यूजफुल लाइफ चेंज होगी तो डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा, तो जो भी चीज़ें चेंज होगी उसके हिसाब से हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मेथड क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती तो गोइंग कंसर्न चेक करते हैं, लेकिन ये नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बेसिकली एस्टीमेट ही तो चेंज हो रहा है, पॉलिसी थोड़ी ना चेंज हो रही है भाई साहब। इसमें लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड ऑन व्हाट, कंपोनेंट बेस, जो हमने बोला था वो यहाँ पे लिखा हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होना चाहिए? कंपोनेंट बेस में। सपोज करिए आपके पास एक बहुत बड़ी मशीनरी है, उसमें 3-4 इंजन लगा हुआ है, हर इंजन का दाम 10 करोड़ है, पूरे मशीनरी का दाम है 100 करोड़, ठीक है। तो हमने एक बात बताया था कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग, तो हर इंजन का अलग से आपको देखना पड़ेगा, अंटिल ऑनलेस अगर सेम यूजफुल लाइफ है तो कंबाइन हो सकता है, सेम WDB का रेट है, डेप्रिसिएशन का रेट है, तो कंबाइन हो सकता है, अदरवाइज उसको अलग अलग। सपोज करो इन दोनों का 5 ईयर 5 ईयर, इसका 6 ईयर और 6 ईयर, तो ये दोनों अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा। अगर इसमें से कोई रिप्लेस होता है तो इसका भी रिप्लेसमेंट का अलग से अकाउंटिंग होगा, मतलब नया अगर इंजन इसमें लगता है तो यहाँ पे इसको डी रिकॉग्नाइज करके फिर उसमें नया एसेट आ जाएगा। इसके ऊपर भी हमने अलग से चर्चा कर रखी है। और एक चीज पति की बात मैं बताऊं आपको कि डेप्रिसिएशन हर साल आपको चार्ज करनी पड़ती है। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ईच ईयर, शुड बी चार्ज ईच ईयर, मतलब हर साल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी ई रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज। एक्चुअल यूज हो या ना हो, लेकिन आपके यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगी। कब से लगेगी? जब से एसेट रेडी टू यूज हो, रेडी टू यूज, नॉट पुट टू यूज। पुट टू यूज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा जब भी रेडी टू यूज है तब तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ई रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज। आपके यहाँ एसेट रेडी टू यूज रखा हुआ है तो आप उसको डेप्रिशिएट करो, अदरवाइज ऑडिटर आके डेप्रिसिएशन लगा देगा। कब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन कंटिन्यू टिल, कब तक डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा? जब तक एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। जब तक एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर दो, या फिर एसेट हेल्प फॉर सेल, एसेट को बेचना है या फिर बिक गया, फिर डी रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। जब भी एसेट हेल्प फॉर सेल है, मतलब बेचने के लिए रखा हुआ है, तो उस समय डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ वो हेल्ड फॉर सेल की तरह ही एसेट की में आप में बना रहेगा। क्या डेप्रिसिएशन जीरो हो सकता है? डेप्रिसिएशन यस इट कैन बी जीरो। कैसे? जब कॉस्ट हो और रेसिडुअल वैल्यू बराबर हो, या फिर रेसिडुअल वैल्यू उसकी ज्यादा हो, सॉरी स्क्रैप कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं ना अपने, जब स्क्रैप वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो, तो उस केस में क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन जीरो होगा। सपोज को 10 से डिवाइड करो, 10 लाख का कॉस्ट है, 10 लाख का स्क्रैप वैल्यू, 10 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या आएगा? डेप्रिसिएशन का जीरो आएगा। इट कैन बी हैपन, आप ऐसा नहीं रिजिड मत होइए। अगर आपको लगता है कि स्क्रैप वैल्यू कैसे हो सकता है, अरे भाई एज्यूम कर लो अगर ऐसा हुआ केस तो हो सकता है। ऐसा रूल नहीं लिखा हुआ कि डेप्रिसिएशन जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक केस की। लैंड आपने रखी हुई है और बिल्डिंग भी उस पर बनाया हुआ है, तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगा?
जी हाँ, बट ये सेपरेट डेप्रिशिएट होगा क्योंकि लैंड का डेप्रिशिएशन नहीं होता, बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन होता है। लेकिन अब इसका क्यों नहीं होता, बिकॉज इसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है और इसकी फाइनाइट लाइफ होती है, मतलब एक लिमिटेड लाइफ होती है, इसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती। तो लैंड पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज नहीं होगा, जब उसके पास इनफाइनाइट रहेगी, और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे चार्ज होगा जब उसके ऊपर फाइनाइट लाइफ रहेगी। क्या लैंड पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है? जी हाँ, लैंड पे भी चार्ज हो सकता है जब उसकी लाइफ एक लिमिटेड रहेगी, फाइनाइट लाइफ रहेगी। और फाइनाइट लाइफ कब रहती है? जब उसके पास लीज होल्ड डील लीज पे लिया हुआ लैंड हो, लीज होल्ड लैंड। ठीक है, तो क्या लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लग सकता है? जी हाँ, लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लग सकता है जब वो फाइनाइट लाइफ रहेगी, और बिल्डिंग का तो अलग से रहेगा। तो इन दोनों का केस यही है कि भाई सेपरेट सेपरेट डेप्रिसिएशन होगा और कुछ नहीं। तो ये हमने बात कर ली डेप्रिसिएशन के ऊपर, यूजफुल लाइफ के ऊपर, डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर, मैथड के ऊपर। मैथड में क्या हमने देखा कि रेवेन्यू ऑफ रेशो में सिर्फ टोल लोड का मोटाइजेशन के लिए यूज होगा, और हमने बात कर ली यूजफुल लाइफ के ऊपर लैंड और बिल्डिंग का सेपरेट डेप्रिसिएशन। बस अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है डिस्क्लोजर। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोलिए। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच क्लास ऑफ पीपीई। क्लास हमने बताया क्या होता है, ऑफिस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, चेयर, फर्नीचर, व्हीकल, तो ये सारे क्लास हो गए। क्लास ऑफ पीपी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अलोंग विथ फॉलोइंग डिटेल्स। और भी क्या क्या डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या हुआ है एडिशन, क्या हुआ है डिलीशन, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट कुछ हुए हैं, एंड उसका बुक वैल्यू। ये हमने पहले ही बता दिया था, जो आप शेड्यूल 3 अगर पढ़े हुए हैं तो हमने एक पूरा चार्ट बनाया था जिसमें हमने पीपी के डिस्क्लोजर के बारे में बताया था। दूसरा डिस्क्लोजर हम लोग करेंगे मेजरमेंट का बेसिस, मेजरमेंट बेसिस, जैसे कि आपने कैसे उसका कॉस्ट या फेयर वैल्यू निकाला। जैसे कि हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे थे, तो कैसे उसकी कॉस्ट हमने निकाली है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किस बेसिस पे, फेयर वैल्यू है, कॉस्ट पे है, कैसे। तीसरा, रिकॉग्निशन बेसिस हमें बताना पड़ेगा कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज किए। जैसे हमने अभी पढ़ा था रिकॉग्निशन बेसिस के बारे में, इनिशियल रिकॉग्निशन हमने बताया था, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन रिवैल्यूएशन मेथड था, कॉस्ट मॉडल था, रिवॉल्यूशन मॉडल था, तो कौन सा रिकॉग्निशन बेसिस आप फॉलो कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी क्या है कॉस्ट मॉडल की, पॉलिसी ऑफ कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, कब कब आप रिवॉल्यूशन करते हैं, ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, शुड बी डिस्क्लोज्ड। कहने का मतलब ये है कि आप रिवॉल्यूशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल फॉलो करें तो कौन सी पॉलिसी आप फॉलो कर ले, कॉस्ट या रिवॉल्यूशन। जैसे रिकॉग्निशन बेसिस की हमने बात की, फ्रीक्वेंसी कब रिवॉल्यूशन किया आपने, या फिर कब कब करते हैं, 2 साल, 3 साल, 1 साल,
या फिर नहीं करते वो भी बता दीजिए कि आप रिवॉल्यूशन करते हैं या नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रिवॉल्यूशन करना है, इंडिया से कहीं ये नहीं बोला हुआ है कि हर साल करना है या करना है। अगर पांचवी चीज़ की बात करें, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है वो भी आपको बताना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एसेट। तो उस वो सच रिस्ट्रिक्शन शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है। अगर इफ टाइटल मतलब आपके नाम पे जमीन ना हो, तो इफ टाइटल इज नॉट हेल्ड मतलब आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई हो, तो हेल्ड बाय एंटिटी, जमीन के कागजात को देखिए, उसमें ये देखिए कि किसके नाम पे जमीन, अगर कोई भी नहीं है आपके नाम पे तो उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। जी हाँ, अगर आपने अपने बुक में उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है जबकि वो टाइटल आपके नाम पे नहीं है, तो उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या क्या बात की डिस्क्लोजर में, आपको क्लास ऑफ पीपी बताना पड़ेगा, उसके कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट एंड बुक वैल्यू के साथ। मेजरमेंट बेसिस बताना पड़ेगा कि आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए, उसका मेजरमेंट कैसे किया आपने, जैसे हमने बताया कि इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या क्या होता है, LCIM से लेके हमने बात की प्रोविजन फॉर ड्रॉल, और भी बहुत सारे खर्चों को ऐड और लेस किया गया, तो उन सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। रिकॉग्निशन बेसिस, किस बेसिस में आपने रिकॉग्नाइज किया, किस बेसिस को फॉलो करी, कॉस्ट या फेयर वैल्यू। फिर पॉलिसी ऑफ कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल, सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन की क्या पॉलिसी आप फॉलो करते हो, वो भी आपको बताना पड़ेगा, कॉस्ट या रिवॉल्यूशन। आपको बताना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, कब कब रिवॉल्यूशन करते हैं। आपको बताना पड़ेगा अगर कोई भी एसेट पर रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको ये बताना होगा कि क्या है रिस्ट्रिक्शन यूज़ के लिए। टाइटल आपके नाम पे नहीं है, तो वो टाइटल आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब उस एसेट को आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगला टॉपिक में। हमने तीन टॉपिक बोला था, अगला टॉपिक क्या अपना, चेंजेस इन प्रोविजन फॉर ड्रॉल। जब चेंज होगा प्रोविजन ऑफ ड्रॉल में, तो क्या क्या चीजें होंगी। प्रोविजन फॉर ड्रॉल आपको पता है कि एक ऐसा प्रोविजन जो बनाया जाता है आपके ड्रॉल का, फुल फॉर्म क्या है, डीकमिशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, यही है। तो इस केस में आपको देखिए क्या करना क्या है, आपने इनिशियली क्या किया था, एक प्रोविजन फॉर ड्रॉल बनाया हुआ था। ठीक है, आपने एक प्रोविजन फॉर ड्रॉल बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन है। आपने प्रोविजन फॉर ड्रॉल बनाया है विद द डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो भी 5% या 10% ले लो। आप कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं कि कैसे निकालते हैं। आप सपोज करिए कोई एसेट लिए हो लीज पे या फिर यूज करने के लिए किसी से लीज पे, ये सपोज करिए ये 2019 है। ठीक है, आपको उसको देना है आफ्टर 10 इयर्स 2029। वो बोला भाई कि अभी का जो एसेट है वो वैसे ही रिस्टोर करके मुझे देना पड़ेगा आपको। सपोज करिए आज आप एस्टिमेट करते हो उसका, कि करंट एस्टिमेट करते हो कि उस समय हमें को 2 लाख रुपए लग जाएंगे, 2 लाख रुपीज लग जाएगा उसको सही कराने में। तो आपको जब एक करंट एस्टिमेट किए, तो आपको इसको इन्फ्लेशन के साथ ऐड करके, सपोज करिए इन्फ्लेशन 5% है, इसको ऐड करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्यूचर एस्टिमेट एक निकालना पड़ेगा। सपोज 2 लाख है, तो 5% का हर साल अगर एस्टिमेट इन्फ्लेशन रहता है या फिर हर साल चेंज होता है, तो आपको निकालना पड़ेगा, सपोज ये 2 लाख से 2.5 हो गया। ठीक है,
अब फिर इसको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा डिस्काउंटिंग करके। फ्यूचर एस्टिमेट है तो फ्यूचर एस्टिमेट पे तो बुक नहीं कर सकते आज के डेट में, तो 2.5 लाख का आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो या 5% दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये सपोज करिए 1.88 लाख या फिर कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये है आपका प्रोविजन फॉर डॉल को निकालने के लिए। अब हुआ क्या, चेंज हो गया, सपोज करिए इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस सिनेरियो में दो चीजें होंगी, जब भी सब्सिक्वेंटली कोई चेंज होगा तो आपके पास सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में प्रोविजन फॉर डॉल भी चेंज हो सकता है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हुआ, इसमें आपका प्रोविजन फॉर डॉल चेंज हो सकता है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आपके दो मॉडल थे, एक कॉस्ट मॉडल था और एक था रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, कॉस्ट मॉडल में आपको याद हो, मैं एक बार फिर से रिकैप करा दूं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पीपीई से हटा देते थे, फिर पीपीई को डायरेक्टली रिवैल्यू कर देते थे, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल में ड्रॉल अमाउंट जो भी इंक्रीज हो वो या डिक्रीज हो डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा किससे, डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा ये विद द बुक वैल्यू ऑफ पीपीई। आप समझ लो, प्रोविजन फॉर डॉल चेंज होगा जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा कि भाई आज के डेट में इसका क्या, इनिशियल रिकॉग्निशन पे तो ठीक था जैसे था वैसे था, अब जब वो चेंज हुआ इनिशियल रिकॉग्निशन में तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो जब कॉस्ट मॉडल आप फॉलो करते हो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में तो इसमें भी बुक वैल्यू ऑफ पीपी में ऐड हो जाएगा, जैसे इनिशियली रिकॉग्नाइज किए थे ऐड कर दिए थे पीपी के कॉस्ट में, अब यहाँ पे भी ऐड और लेस हो जाएगा एज द केस में भी। अगर ये ऐड मतलब प्रोविजन फॉर डॉल अगर बढ़ता है तो ऐड हो जाएगा, सपोज करिए। अब इसमें दो केस क्या होगा, प्रोविजन फॉर डॉल बढ़ा या घटा, अगर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज के केस में क्या होगा, पीपीई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज हुआ ना प्रोविजन फॉर ड्रॉल, सिंपल एज इट इज, जो पहले था वैसा ही है, बट यहाँ पे एक अलग से एंट्री आपको मारनी पड़ेगी अगर इंक्रीज हो, अगर डिक्रीज हुआ तो प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट डेबिट टू पीपी, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो, पीपी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, पहले से हमने बढ़ा के रखे होंगे इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया गया। कहने का मतलब सिंपल है, ये आपका एक कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट लग रहा है कि कॉस्ट मेरा बढ़ गया सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे, तो वो ऐड और लेस कर दिया जाएगा उसी हिसाब से उसके कॉस्ट में, और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन भी अफेक्ट होगा, जी हाँ, इसके वैल्यू ऐड और लेस होंगे तो डेप्रिसिएशन विल ऑल्सो ऑल्सो बी चेंज प्रोस्पेक्टिवली उसी दिन से, फिर ये भी डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। अब इन केस अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है तो रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, सपोज करिए इंक्रीज और डिक्रीज, यहां पे भी दो केस हो सकता है कि प्रोविजन ऑफ फॉर ड्रॉल इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया या डिक्लाइन हो गया, तो इस केस में क्या होगा ये विल बी एडजस्टेड विथ रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये क्या होगा, एडजस्टेड विथ रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी, सिंपल सा, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल इन केस ऑफ इंक्रीज, इन केस ऑफ डिक्रीज
प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आया? करना कुछ नहीं, एक में पीपीई से एडजस्ट कर देना, एक में रिवॉल्यूशन रिजर्व। जब भी चेंजेस हो प्रोविजन फॉर ड्रॉल में, तो मॉडल आपको देखना चेंजेस कब होगा। इनिशियली आपने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद आपने चेक किया कि भाई क्या दिक्कत है। आई मीन जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा तो ये ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे जब होगा तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के दो मॉडल है, कॉस्ट और रिवॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ पीपी से एडजस्ट हो जाएगा, और रिवॉल्यूशन हुआ तो रिवॉल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। तो बस ये रहा आपका इंडिया 16 के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने हमें आपको बताने थे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट और भी पुख्ता और मतलब तगड़े हो जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको क्वेश्चन सीधे स्टडी मटेरियल से सॉल्व करते हुए, डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, और हमसे अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आप हमारे साथ बोल सकते हो आई कैन एंड आई विल एंड वी विल, इजंट इट? थैंक यू, बाय, शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा, क्या क्या आप हैं तो हमारे ऐसे थे। शुक्रिया।